नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली में जो आपको DTRPSB के माध्यम से TGT संस्कृत और PGT संस्कृत की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। अब जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो कॉमन पेपर का तो आपको सिलेबस ऑफिशियल रूप से देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब हम विषय संबंधित की बात करते हैं, जैसे कि TGT में आपका 100 नंबर का विषय संबंधित पूछा जाता है और PGT में आपका 200 नंबर का विषय संबंधित पूछा जाता है, तो जब इसके सिलेबस की बात करते हैं तो आपको ऑफिशियल सिलेबस देखने को नहीं मिलता। आप चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर में बात कर लें, या फिर किन्हीं भी टीचर्स की बात कर लें, या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट जिनका पहले दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है एज ए TGT या फिर एज ए PGT, तो उनसे बात करते हैं, अगर वो भी आपको सिलेबस के बारे में बताए तो जो भी आपको सिलेबस के बारे में बताता है वो बताता है गत वर्ष से जो भी आपकी परीक्षा हुई है TGT संस्कृत या PGT संस्कृत की, उनके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उसके आधार पर ही आपको सिलेबस बताया जाता है। तो इसलिए आपके लिए पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी TGT के सिलेबस के विषय में तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन अगर दोस्तों आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करते हैं उसके आधार पर आप खुद से अगर सिलेबस तैयार करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। एक तो देखिए, अगर आप पिछले वर्षों क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे आपको मुख्य रूप से तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब व्याकरण से पूछे जा रहे हैं, दर्शन शास्त्र से पूछे जा रहे हैं, साहित्य से पूछे जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब व्याकरण के अंदर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साहित्य के अंदर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तीसरा जो मेन बात है आपकी, जो बिल्कुल मेन है, जो आपका लेवल क्या है उनका, ठीक है, लेवल आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो दोस्तों DTRPSB वैसे क्या करता है, TGT की जब हम बात करते हैं तो आपसे पूछता सब कुछ है लेकिन डीपली नहीं पूछता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल उसके अंदर खोदेगा नहीं आपके सब्जेक्ट को, ऊपर ऊपर से पूछेगा लेकिन पूछेगा सब कुछ। तो इसलिए आपके लिए लेवल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अभी रिसेंटली आप जानते हैं PGT संस्कृत का एग्जाम हुआ है DTRPSB के माध्यम से, जो आपको 2020 में परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी उसका भी एग्जाम हुआ था। तो उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो JRF वाले स्टूडेंट थे ना, वो भी सर पे हाथ फेर रहे थे, इतना हार्ड पेपर आया था जो आपका संस्कृत था, जो कि विषय संबंधित था, बाकी कॉमन पेपर आसान था। अब जो पढ़ के गया था, फिर जिसका पेपर अच्छा है तो उसके लिए तो ईजी होगा, बाकी जो नहीं पढ़ के गया फिर जिनका पेपर ख़राब उनके लिए हार्ड होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, मतलब अगर सभी के आंकड़े लिए जाएँ, तो कहा जा सकता है कि इस बार जो आपका PGT संस्कृत का पेपर आया था वो हार्ड था। तो दोस्तों, इसलिए आपके लिए प्रश्नों का स्तर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, आखिर क्या लेवल है आपके क्वेश्चंस का, जब भी आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे जो भी आप भविष्य में एग्जाम देने वाले उसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी दो बातों को और आपको दोस्तों मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक तो आधुनिक समय में, मतलब अभी गत वर्षों में संस्कृत से संबंधित क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है, चाहे हम आधुनिक साहित्य की भी बात करते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं, क्योंकि जो आप कॉलेज वगैरह या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप पढ़ते हो वो पुराना साहित्य पढ़ते हैं हम ज़्यादातर, मैक्सिमम जो भी सिलेबस में लगा होता है, ठीक है। आधुनिक तो दोस्तों शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी जो डीपली आपको आधुनिक पढ़ाती हो या फिर ठीक रूप से आपको आधुनिक पढ़ाती हो, तो ऐसा तो मुश्किल ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके आधुनिक साहित्य फिर आधुनिक एक्टिविटी से संबंधित, मतलब संस्कृत के आधुनिक समय में गत वर्षों में क्या क्या एक्टिविटी हुई संस्कृत के अंतर्गत, तो अगर उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर आप उनका आंसर कैसे करोगे, ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और आखिरी बात है, आपको संस्कृत शिक्षण पर भी ध्यान देना है, क्योंकि उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे संस्कृत शिक्षण वगैरह हो गया, आधुनिक आपकी संस्कृत होगी, तो इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि ये ना आपके इसमें पूरे नंबर आ जाते हैं और इन अभ्यर्थी थोड़ा बहुत लाइट ले लेते हैं, सारा का सारा जोर उस पर दे देते हैं जो कि आपका जैसे व्याकरण साहित्य होते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे, इसका मतलब ये तो है नहीं आप उन्हें लाइट ले लोगे, क्योंकि इसमें आपके पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं और आपने BEd वगैरह या फिर शिक्षा शास्त्री जो भी आपने करा है तो उसमें आपको वही पढ़ना होता है संस्कृत शिक्षण, बस आपको रिवाइज ही तो करना है एक बार। तो फिर वो भी दोस्तों अगर आपका 4, 5, 10 अगर नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके सिलेक्शन में आपके लिए काम आते हैं ये मार्क्स। बाकी दोस्तों, क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको 2010 से लेकर अब तक DTRPSB के माध्यम से TGT संस्कृत और PGT संस्कृत की कितनी रिक्रूटमेंट देखने को मिली, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो दोस्तों PGT या फिर TGT की बात करें तो 2010 में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, 2012 और 14 में आपको PGT की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी और 2012 और 13 में आपको TGT की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, ठीक है। 2017 में भी आपको देखने को मिली थी जो कि आपकी लास्ट रिक्रूटमेंट थी, तो बस आपको इतनी ही रिक्रूटमेंट देखने को मिली। इसमें 2010 का जो दोस्तों आपका एग्जाम हुआ था उसका तो मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, लेकिन अगर मिलता है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी 2012 और 14 या फिर PGT की बात करते हैं, बाकी TGT की 2012 या 13 की बात करते हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर दोस्तों एक ही है, मतलब एक ही दिन दोनों का एग्जाम हो गया था, मतलब 2012 और 2013 में जो रिक्रूटमेंट निकली थी उनका एक ही बार एग्जाम ले लिया था, ठीक है। और बाकी 2017 का भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूँगा, और इसमें दोस्तों मैं आपको मेल और फीमेल दोनों ही दे देता हूँ, और बाकी अगर कुछ एक आध छूट जाता है तो वो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े समय बाद वो भी आपको दे दूँ, जैसे ही मुझे प्राप्त होंगे तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगा। बाकी दोस्तों, शायद से अब आप ये सोच रहे हो कि PGT के क्वेश्चन पेपर्स क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि PGT का तो एग्जाम हो चुका है, मेल का, बाकी फीमेल का भी आपको होना बाकी है।
तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कॉमन पेपर की तो आप तैयारी करोगे टीजीटी के लिए भी, और कॉमन पेपर तो चाहे पीजीटी की बात करें चाहे टीजीटी की बात करें कॉमन पेपर का सिलेबस सेम है और लेवल भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप कॉमन पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं, बाकी अगर आप पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं भविष्य में जो रिक्रूटमेंट देखने को मिले तो उसमें भी आपके काम आ जाएंगे। बाकी दोस्तों एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है 2010 से लेकर अब तक की अगर हम बात करते हैं 2021 तक की, आपको जितनी भी दिल्ली में डी ट्रिप के माध्यम से टीजीटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिली है उसमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट ना सबसे ज़्यादा संख्या इस बार ही आपको देखने को मिली। 2010 से आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको इतनी रिक्रूटमेंट कभी नहीं देखने को मिली। तो बिल्कुल आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसका बिल्कुल आपको लाभ उठाना है। और लाभ कैसे उठाना है ये तो दोस्तों आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं और निश्चित रूप से आप भविष्य में एक शिक्षक के रूप में भी उजागर होंगे। तो दोस्तों डी ट्रिपल्स बी टीजीटी संस्कृत, डी ट्रिपल्स बी पीजीटी संस्कृत के गत वर्षों के मेल और फीमेल सभी तरह के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप दोस्तों फटाफट ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर आप उनकी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से तो आप लाइक कर ही दोगे, बाकी अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं स्पेशली जब हम बात करते हैं फिलहाल हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो आप अगर एक संस्कृत शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात करें तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जो भी अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे थे टीजीटी और पीजीटी संस्कृत के तो निश्चित रूप से आप उन अभ्यर्थियों को इस वीडियो को मेरी शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।